हे, तुमको ही बुला रहा हूँ। हाँ। क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओहो, अब ये मजाक करना तुम छोड़ो। अरे, ये खाना बनाने के लिए तुम दो लोग और ये 2 घंटे टाइम क्यों चाहिए? ये टीवी सीरियल देख करके तुम लोग भी वैसा क्यों कर रही हो? तब से देख रही हूँ, तुम चिल्लाए जा रहे हो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास नहीं है। नहीं है क्या? अरे देवा, आत्मा का दुख सुनोगे क्या? तबीयत ठीक नहीं है, पैसा भी नहीं है, बीवी से कुछ फायदा नहीं है। आप मुझे बचाओगे या फिर आत्मा को मारोगे? हाँ? अरे ये नहीं वो नहीं, अरे पूजा तो कर रहा हूँ ना, जाओ। अपना ये नाटक करना बंद करो, पैसे नहीं है। करोड़पति मेरे जीजा जी की एकलौती बहन हो तुम, पैसा नहीं है बोलने के लिए शर्म नहीं आती? नाम सुगना है लेकिन सब कुछ बुरी आदतें। अरे जीजा जी, आपके बारे में ही बात कर रहा था। बस करो, मेरी बहन की जिंदगी में श्राप बनकर आए हो, ऐसे क्यों सता रहे हो उसको तुम? घर के दामाद को अकेला आना चाहिए था, पूरा कुनबा लेकर आ जाते हो तुम, क्या है ये सब? अरे मजाक बंद करिए, मैं और छोटू बाबू ही आए हैं ना। छोटू है, इतना बड़ा हो गया? अच्छी बात है। सुबह फिश बिरयानी, दोपहर में मटन बिरयानी, शाम को चिकन बिरयानी, रात को झींगा बिरयानी, 10 लोगों का खाना अकेले ही खा जाता है ये। उसको खिलाने के चक्कर में और तुम्हारी जरूरत पूरी करने के चक्कर में मेरी बहन पिस रही है। ओहो, आपका पैसा खर्च कर रहे हैं क्या? ऐसा दुख हो रहा है क्या जीजा जी? अरे अरे, ये यहाँ के दादा हैं, ऐसा फील कर रहे हैं। वो उसका छोटा बेटा मर गया है। क्या हुआ? नारायण की बीवी रो क्यों रही है? क्या बताऊँ मैं तुम्हें, जाओ जाकर देखो। बताओ। जाओ ना, जाकर देखो। हाँ ठीक है, मेरी समझ में आ गया, तुम मत बताओ। वो गंगना क्या पूछ रहा है? क्या हुआ पूछ रहा था। ये सब मर्दों को कैसे बता सकते हैं भला? मेरे जीजा जी को कितना भी मार दे दो, उतना ही पैसा आने वाला है। अरे गंगना, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? नारायण का छोटा बेटा मर गया है ना? और नारायण का छोटा बेटा मतलब आखिरी लड़का? वो बहुत हैंडसम था, बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता था। वो मर गया क्या? नहीं है। अरे वो मर गया? अब देखता हूँ नारायण को। नारायण घर में है क्या? ए नारायण, ए नारायण, तुम इंसान हो क्या? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम इंसान हो क्या? तुम हम सबको परेशान करके रखते हो। मेहनत करके तुमने 3 लोगों को पैदा किया है ना? छोटा लड़का मर गया है, फिर भी तुम ये दुकान खोल करके बिजनेस करने में लगे हुए हो। तुम इंसान ही हो ना? तेरे मुंह में मेरा बाल। छे छे, लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अरे नारायण, ए नारायण, ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे मरने के बाद ही हम अच्छे से जी सकते हैं। हमारी जिंदगी को तो तुमने बर्बाद करके रख दिया है। कमीने कहीं के, तुम्हें तो मैं मार के ही मरूंगी। तुमको तो मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। अरे विनय बेटा, एक बार इधर आना। हे भैया, हे भैया। फिर से ये लोग झगड़ा कर रहे हैं यार। हमें क्यों बुलाया बुआ? बुजुर्गों का क्या पेंशन है बेटा? मेरे ख्याल से 1000 रुपए होगा। विधवा का कितना पेंशन है? अरे 1000 हुआ होगा। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही? और किसके लिए? अपने लिए पूछ रही हूँ। अभी तो गंगना मामा जिंदा है ना? तेरी तो आज तो मैं इसको मारने वाली हूँ ना, इसे तो मैं मार ही दूंगी। ये मर गया तो, ये मर गया तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे क्या हुआ सुरमा जी, मासूम को क्यों मार रही हो? मर जाएगा। अच्छा, ये तुम्हें मासूम दिखता है? जवानी के वक्त में सारे गंदे काम करके अब ऐसा शरीफ हो गया है, इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। ऐसी पुरानी बातें याद रख के सताना गलत है ना? पुरानी बातें याद करके मैं नहीं बोल रही हूँ, अब देखो ये कमीना क्या किया है। एक दिन नॉनवेज नहीं मिला है तो इसलिए इसने प्लेट को नीचे फेंक दिया है। अरे छोड़ दो, अरे, अरे, मैं छोड़ दो, क्या छोड़ूंगी? क्यों, नहीं क्यों मार रही हो? अरे छोड़ दो ना। अरे अरे, ये गलत है। एक बच्ची है, उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी तक इसे चुप रहने के लिए कहो। एक शहर से दूसरे शहर जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, वहाँ जाके दारू पीता है। इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। छोड़ो, इसीलिए मैं घर में नहीं रहता हूँ। वहाँ जा रहा हूँ मैं, आऊंगा नहीं दोबारा घूम के, देख लेना तू, छोड़ूंगा नहीं। तुम चलो। हे, इनका तो रोज का लफड़ा है ना, चलो चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। ऐसी बातें नहीं करूँगा, तुम मार देगी। तो मारने दो ना। मार डाल रहे? मारने दो, क्योंकि जब जवानी में सारे गंदे काम करके अब उम्र होने के बाद बीवी बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे और उन्हें रुलाते रहते हैं तो मर ही जाना चाहिए। बुजुर्गों के लिए यही सम्मान है तुम्हारे दिल में? मुझे नहीं है, तुमको है, तो मेरे पापा की बात सुन लो ना। अपने नालायक दोस्तों के लिए तुम क्यों डांट सुनते रहते हो? तुम्हारे पापा कोई नहीं, तुम्हें भी दोस्ती की वैल्यू नहीं पता। एक बात याद रखना, दिल जीतने के लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ता, दोस्ती करके दिल जीता जाता है। फिर उनके ही दिल जीतो, मेरे पीछे आना मत। मुझे वो लोग भी चाहिए और तुम भी चाहिए। घर वाली को पीतल का चेन और बाहर वाली को सोने का चेन। क्या कहा? ये सब छोड़ो, दो नाव पे मत सवार हो। देखो माँ, हथियार से ज्यादा खतरनाक गुस्सा होता है।
गुस्सा कम करके थोड़ा शांति से सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। ची, तुम बुद्धिमान मूर्ख हो, चलो। बच्चों के साथ घूम घूम के दिमाग खराब हो गया। अरे क्या बोल रही है? कभी कहती है कि हम मिले ही कहाँ हैं और कभी कहती है कि छोड़ना मत, पागल हो गई है। हाँ क्या? हे, हमें लड़कियों की इज्जत करना चाहिए ना। इसकी रिश्तेदार है ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। वहीं दूसरी लड़की होती तो तुम भी कुछ कमेंट करती। हमें अच्छा काम करने के लिए माँ बोलती है, इसलिए माँ के ऊपर हमें थोड़ा सम्मान है। अच्छा जाओ फिर, जाके अच्छा काम करो। हे बॉबी, इस बार उधार लिया तो छोड़ूंगा नहीं, पहले कर्जा चुकाओ उसके बाद खेलो। ए, 1,000 रुपए का चेंज है क्या? वो आधा फटा हुआ है और पूरा गांव जानता है कि वो डमी नोट है, जो कब से लेकर घूम रहा है। इसको अंदर रख ले और दूसरा नोट निकाल। मैं भाग नहीं रहा हूँ, तुम्हारे जैसे ही नारायण भी दारू छोड़कर पैसा बचाने में लगे हुए हैं। क्या हुआ अब ये बताओ? हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बोला ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ और रिपोर्ट लेकर आओ, और इसके बाद 1,90,999 का बिल हुआ था। जमीन खरीदने के लिए 2,00,000 रुपए बचाया था, आखिर में 1 रुपया बचा है, इसलिए सामने वाले को कमाने दो। तुमको क्या परेशानी है भाई, सुना क्या? बोलो। सुनेगा नहीं, क्या करे? अरे तुम तो पत्ते उठाओ ना, क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की बेटी अच्छा काम करने को कह रही है। हमने एम्बुलेंस तैयार किया है लेकिन एक भी मरीज नहीं आ रहा है। सब ठीक हो जाएगा। अरे गोविंद, सब ठीक। तुम्हारे पापा को क्या हुआ? अचानक ही बेहोश हो गए, आरएमपी डॉक्टर के पास। इधर लेकर गया तो मर जाएगा, सिटी लेकर जाओ तो ही बचा पाओगे। आराम से लेटाओ। डरना मत पापा, थोड़ी देर रुकिए, डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल मत घबराना, हम जा रहे, जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरा काम कैसा रहा? सुनो, इतना स्लो क्यों चला रहे हो? अब देखना। पापा, पापा गिर गए। मर गए क्या? मर गए क्या पापा? क्या नहीं मर गए, देख लो। ये क्या हो गया? अरे इतना बड़ा अन्याय हो गया। ओ हो, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा इसको? बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं ये पाप नहीं झेल पाऊंगा। हे भगवान, मैं नहीं झेल पाऊंगा। ठीक है लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? मेरा धंधा चौपट हो गया। और तुम क्यों रो रहे हो? वही गया है ना, प्रॉपर्टी किसी के नाम लिखी है, कहा था बच जाएगा तो आधी मुझे दे देगा। गुस्सा मत करो, कब्रिस्तान में मर के खर्च कम कर दिया है, रिश्तेदारों और दुश्मनों को बुला के यही क्रियाकर्म कर दो। मुझे क्या करना है? तुम लोगों ने इसको मारा है, जो भी करना है तुम ही लोग करो। अरे ये तो बेटे को ही करना पड़ता है ना। तुम बेटे नहीं हो ना, तो फिर पैर पकड़ो इसके। कैसा बेटा पैदा किया है, तुम्हारा जन्म धन्य हो गया। उतरो। क्यों? उतरो ना। अब तुम यहाँ से पैदल जाओ। दादाजी आइए गाड़ी में बैठिए, दादाजी बैठिए ना, बैठिए। अपने हेल्पिंग नेचर के कारण मुझे सड़क पे छोड़ दिया, क्या करूं अब। जाने दो। क्या हुआ गंगा? हा? इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? अरे अर्जेंट घर जाना है मुझे, उधर इंटरनेट पर हाँ अच्छी लड़की दिखा रहे हैं, देसी और विदेशी गर्ल्स। देसी गर्ल, विदेशी गर्ल। हाँ हीरोइन को भी दिखा रहे हैं। हे यहाँ क्या चल रहा है? अरे पता नहीं क्या हो रहा है यार। हे 4 दिन रुको, सुपर कलेक्शन है यार, अगर तुम होते तो ऐसा कलेक्शन कभी नहीं आता। 4 दिन नहीं था तो ऐसा गंदा करोगे? अरे तुमको पैसा कमाना नहीं आता है, हम पैसे कमा के देंगे। सुपर कलेक्शन है यार, तुम रुको 4 दिन। ये सब गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए।